वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूट्यूब पर मूवीज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल असल तरीका बताएंगे, कोई फेक तरीका नहीं, कोई जो है कॉपीराइट वाला तरीका नहीं बताएंगे, कोई भी इलीगल तरीका या कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ तरीका नहीं बताएंगे। हम आपको बिल्कुल लीगल तरीका बताएंगे कि आप यूट्यूब पर मूवीज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। आपको कोई एडिटिंग वगैरह, कोई फेक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखते रहिए, ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल सके। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं कि आप जो है मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड कैसे कर सकते हैं। उसके भी 2 से 3 तरीके होते हैं। फेक तरीका जो होता है, मतलब कॉपीराइट वगैरह, वो ये होता है कि आप उसमें एडिटिंग वगैरह करें, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करें, उसमें सॉन्ग्स वगैरह रिमूव करें तो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे ये कि स्ट्राइक भी आ सकता है, कंपनी क्लेम भी कर सकती है। तो उसके अलावा जो है मूवीज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं, आप फ़र्ज़ करें यूट्यूब पर किसी भी मूवी का नाम लिखते हैं और उससे आपने फ़िल्टर करना है, मूवीज़ का नाम लिख कर आपने फ़िल्टर करना है कि क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है जिससे क्रिएटर जो है, जो उसका अपलोडर या उसका ऑथर होता है, जो उसका ओनर होता है, वो अलाउ करता है कि कोई भी मेरी वीडियो को यूज़ करता है बिना किसी परमिशन वगैरह के, यूज़ कर सकता है। आपने जैसे कोई मूवी सर्च की, फ़र्ज़ करें आप कोई मूवी सर्च करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हमने PK मूवी सर्च की है, तो उसका आपने फ़िल्टर लगाना है क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन में अगर वो आपको मूवी नज़र आती है किसी भी वीडियो में पूरी मूवी, तो आपने उस मूवी को डाउनलोड कर लेना है और उसे सेम टू सेम अपलोड कर देना, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। क्रिएटिव कॉमन ये हो गया क्रिएटिव कॉमन का। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिएटिव कॉमन से नहीं कर सकते, या वो मूवी आप जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही, उसमें क्रिएटिव कॉमन में नहीं मिल रही, उसको कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। उसको ऐसे अपलोड कर सकते हैं कि आप उस मूवी के ऑथर से कंटेक्ट करें, उस कंपनी से कंटेक्ट करें, उससे लाइसेंस लें उस मूवी का, मतलब कि लाइसेंस आपको मिल जाता है, तकरीबन सस्ता ही मिल जाता है। ओल्ड मूवीज़ का सस्ता है और न्यू मूवीज़ का महंगा है। आप मूवी का एक लाइसेंस आप ले लें, वो थोड़े बहुत पैसों में मिल जाए, तो आप कंटेक्ट करेंगे तो आपको कंपनी बता देगी। फिर उस मूवी को आप मल्टीपल चैनल्स पर, जितने चैनल्स पर करें अपलोड वो कर सकते हैं। एक तो लाइसेंस देते हैं, और दूसरा तरीका ये भी होता है कुछ कंपनीज ऐसे करते हैं कि वो पार्टनरशिप करती हैं कि आप हमारी मूवी अपलोड करें, मतलब उनसे आप बात करते हैं तो वो मूवी आप अपलोड करेंगे उसकी रेवेन्यू 50% आपको हो जाएगी और 50% उस कंपनी को जाएगी। आप इस तरह भी मूवी अपलोड कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन पे भी कर सकते हैं और एडिटिंग करके भी कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन आप ये है कि आप जो है क्रिएटिव कॉमन पे मूवीज़ अपलोड करें। आप कोई भी मूवी का नाम सर्च करें या मूवीज़ न्यू मूवीज़ लिखें और क्रिएटिव कॉमन फ़िल्टर लगाएं, जो भी मूवीज़ आपको आएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कॉपीराइट फ्री होंगी, कोई क्लेम वगैरह नहीं आएगा। तो आप उन मूवीज़ को फ्री पे डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं ईजीली, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन, कोई भी क्लेम वगैरह नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा, ये छोटी सी ट्रिक, ये छोटा सा तरीका पसंद आया होगा। अगर तो पसंद है इसको लाइक करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।